हम लोग इस समय गाज़ियाबाद से डिपार्चर ले रहे हैं और हम ऑन बोर्डेड है इस टाइम 1403 दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस में। हमारे जस्ट पैरेलल एक LHB ट्रेन गाज़ियाबाद को स्किप कर रही है, हालांकि ट्रेन मेन लाइन पर है, उसके बावजूद भी ये दो स्किप कर रही है। इसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और ये ट्रेन है 02564 नई दिल्ली बरौनी नॉन स्पेशल। स्लो स्किप करने का एक रीज़न तो ये है, जो आनंद विहार मऊ सुपर फास्ट ट्रेन है वो 2-3 मिनट पहले ही निकली है, वो लगभग 3 से 4 घंटे की देरी से निकली है। और दूसरा रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल आप इतना नोटिस कीजिए कि ये ट्रेन अभी मेन लाइन पर है और आगे देखिए इसका कैसे ये दूसरी लाइन स्विच करती है, उसके बाद अगेन मेन लाइन पर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बरौनी क्लोन ट्रेन है इसने मेन लाइन को छोड़ दिया है और ये मिड लाइन पर स्विच कर चुकी है। इसके 3 कोचेज आप देख सकते हैं कि स्विच हो चुके हैं। इसका कारण यही है कि पार्सल ट्रेन जो है गाज़ियाबाद से जस्ट डिपार्ट किया है हम दोनों ट्रेन से लगभग 2 से 3 मिनट पहले, और उसने ये सारी लाइन को कवर कर रखा है और वो ट्रेन हापुड़ लाइन की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से हम दोनों की स्पीड को काफ़ी स्लो किया हुआ है। हालांकि मेरठ वाली लाइन का जो स्पीड है वो हमेशा कम ही रहता है, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर ये जो हमारी ट्रेन है जिसमें मैं अनबॉडीड हूँ इसका स्पीड तो हमेशा ही कम रहेगा। और जो लेकिन बरौनी क्लोन है इसका लगभग 60 KMPH की लाइन है ये वाली, चिपियाना बुजुर्ग के बाद ये स्पीड जो है 130 पहुँच जाती है। और यहाँ पर वो ट्रेन जो है मिड लाइन पर आ चुकी है। आपको बता दें अलीगढ़ से तक का जो सेक्शन है गाज़ियाबाद से ये ट्रिपल लाइन सेक्शन है, तो यहाँ पर एक ट्रेन अलीगढ़ की तरफ जा सकती है और 2 ट्रेन एक साथ अलीगढ़ की तरफ से गाज़ियाबाद की तरफ आ सकती है। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ कि पार्सल एक्सप्रेस कैस जो है उसका हमारे साथ पैरेलल भी होगा आगे। यहाँ तो खैर नहीं दिख पा रहा है वीडियो में, आगे जाकर आपको पार्सल के एक्सप्रेस के साथ पैरेलल दिखेगा।
देख सकते हैं जो बरौनी क्लोन ट्रेन है ये वापस से मेन लाइन पर शिफ्ट हो रही है, और हम लोग यहाँ से 180 डिग्री का पूरा कर्व लेंगे और मेरठ की तरफ बढ़ेंगे, और यहीं से हापुड़ की लाइन भी अलग हो जाती है। और जैसे देख सकते हैं जो क्लोन का रूट है वो बिल्कुल सीधा जाएगी, और यहाँ पर हमें पार्सल एक्सप्रेस देखने को मिलेगी सिर्फ 1 मिनट, और वो आपको पार्सल एक्सप्रेस का जो लास्ट कोच होता है वो दिखेगा, और वो दिख रहा है। तो यही पार्सल एक्सप्रेस जो है वो जस्ट क्लोन स्पेशल की जस्ट आगे चल रही थी उसी की लाइन पर, इस वजह से उस लाइन उस ट्रेन को ऐसा 2 बार इधर से उधर किया गया है। और अब इस पॉइंट से हम लोग काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आप पूरा पार्सल एक्सप्रेस का पैरेलल भी देखेंगे साथ में। फ्लाईओवर के बाद जो हापुड़ वाली लाइन है वो सीधी रहेगी, और हम लोग एक कर्व लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पर देख सकते हैं जो पार्सल एक्सप्रेस है उसकी स्पीड काफ़ी कम है, और हम लोगों ने लगातार हमारा EMT जो है बस ऑन करे जा रहा है बहुत स्पीड में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।